बिल्कुल खत्म लिख दी, देखो आप बिल्कुल। अच्छा जी, और इसमें इतना मोटा पैसा लग रही, इसमें पानी भी हाइड्रोलिक में पानी आ रहा। अच्छा जी, इतना मोटा पैसा लग रहा, इतना का तो नया ले लेते हैं इसमें। जय हिंद जय भारत भाइयों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आज की जो अपनी वीडियो है भाई, एक अपने किसान भाई हैं, इन्होंने ट्रैक्टर लिया था, तो ट्रैक्टर लिया था जी बाहर का नंबर, और भाई जैसे ही मिस्त्री के पास खुलवाया और भाई का बिल्कुल ही चेहरा उतर गया, और ये मान के चलो कि कुल मिला के इतना खर्चा बैठा गया ट्रैक्टर में, इससे ज़्यादा मतलब कि थोड़ा बहुत ही फर्क रहेगा नए में और इसमें, इतना ज़्यादा खर्चा इसमें बैठ गया, अंदर से बिल्कुल ही ख़त्म निकला। बाकी किसान भाई से बात करेंगे और मिस्त्री जी से बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले किसान भाई से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मिंटू। मिंटू नाम है जी। तो ये ट्रैक्टर कब लिया था और कहाँ से लिया जी, और क्या इसमें क्या दिक्कत आ गई इसमें? ये हाइड्रोलिक खत्म लिकड़ी, देखो आप बिल्कुल। अच्छा जी, और इसमें इतना मोटा पैसा लग रही, इसमें पानी भी हाइड्रोलिक में पानी आ रहा। अच्छा जी, इतना मोटा पैसा लग रहा, इतना का तो नया ले लेते हैं इसमें। और कहाँ से लिया था जी? सहारनपुर अड्डे पर लिया था, इधर रूड़ी की चुमकी पर जाके। अच्छा, मुजफ्फरनगर सहारनपुर अड्डे की तरफ से लिया था, बाहर के नंबर के जो ट्रैक्टर खड़े वहाँ से। तो उसमें रगड़ा लग गया दिखे मुँह, तो ये बता रहा जी थारा जी। रगड़े की बात, 3-4 लाख रुपए का ले रहा क्या? तो देख लो, पहले लगा लिया फिर लगाने लग रहे थे। ओहो, तो इसे चौखा तो नया ले लेते, इतना मन उदास हो रहा, क्या करो जी बताओ। अच्छा, पहले इसमें जब वहाँ से लिया तो जब चला चलो देखा जब दिक्कत का नहीं पता लगा कुछ? नहीं, वो तो कुछ दिक्कत का लगा नहीं, जब तो ठीक दिखाई दिया, बस ये बात में जब लोड लाड वगैरह वहाँ तो नहीं दिखाई दिया उन्होंने, ले जाओ जी लो चला कर देख लो, अब रोड पर क्या दिखो, मतलब जब 8-10 दिन घर चला खेतों में चला जब जाके पता लगा, क्या पता लगा जब ही लोगो। अच्छा, क्या कहना चाहो लोगों को ऐसा ना कि भाई वहाँ से लो ना लो या ले ही ना ही ना, ये तो चोर बैठे हैं आने के लड़े वहाँ से। अरे यार, गाड़ी चोर बैठे सारे। ओहो, अच्छा पानी पड़ी क्या पानी देखो, तुम देखियो डाल अंदर तेल में भी पानी आ रहा, देख लो वहाँ तो वहाँ भी देखो पानी आ रहा है, पानी निकल रहा है, और ये कीट देखो किस हिसाब से। अच्छा, मॉडल कौन सा नंबर, कौन सा मॉडल ट्रैक्टर है अपना? ये 17 मॉडल ट्रैक्टर है जी। अच्छा भाई साहब, कुलदीप भाई जी, नमस्कार जी भैया। अच्छा, ये बताओ जो अपने किसान भाई आपके पास आए हैं, कहाँ से आए ये? ये भैया गांव मखेली पड़ता है, इनके पास 5 ट्रैक्टर हैं। अच्छा, ये भी इन्हीं का खड़ा है। अच्छा, ये भी जी इन्हीं का खड़े। अच्छा जी, ये खेती करते, इन्होंने ट्रैक्टर ले लिया था। मैंने भाई को मना करी, मैं कहा चल कोई मुझे अपना का नंबर या लोकल नंबर ट्रैक्टर ले लेंगे। हाँ जी, तो मंदिर के चक्कर में मेरा भाई भी जा फंसा वहाँ से। एक मुझे लग रहा पहले भी एक ऐसा हुआ था, एक बार एक उनपे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था फैक्टर में भी। हाँ जी, मंदे के चक्कर में भाई सही दिया जाके, सही दिया चला फिर आके देखे आते, वो फिर आके बताया इसने। हाँ जी, और भाई ले आते सही बंदी दे दी उन्होंने, बोला कि इन्होंने कहा भी गाने में सही वापसी कर दो, गाने लगा 50,000 सही रखी थी, गाने सही हम वापसी करते नहीं। ओहो हो, उन्होंने कहा। हाँ जी, अच्छा फिर भाई 50,000 कौन छोड़ देगा? कोई अपना ट्रैक्टर लिए जी, लेने के बाद में जब ये ट्रैक्टर लाए। हाँ जी, 25,000-30,000 करीब तो जब लगे थे इसमें पहले, जब आया था, जब आया था। अच्छा, कितना टाइम हुआ इसे? अभी तो 2 महीने भी नहीं भैया जी। अच्छा जी, अब कम करो मान बोलो दर्शन गए इसका। अच्छा जी, ये सारा चूरा हुआ पड़ा, ये भाई साहब इधर आ जाओ, मिस्त्री तंबी में पूरा दिखा दूँ एक बार। इधर आ जाओ, क्या कह रहे भाई साहब? स्टीयरिंग भी खत्म हो रहा है, होजिंग पोजिंग है, देखो ये देखो मेन बैरिंग का सवाल हो रहा है। देखो जी मेन शाफ्ट, ये क्लच की पोजीशन है, ये क्लच की पोजीशन देख लो आप। अच्छा, शुरू में लिया था जब 20-25,000 रुपए लग गए थे, उसमें वो किस किस चीजों में लग गए थे? उसमें इसका फ्रंट कराया था। हाँ जी, सर्विस कराई थी जी, बैटरी रखवाई थी जी, छतरी पतरी मतलब सारा सामान करवाया था, शौक से करवाया सारा काम। अच्छा, शुरू में ये करवा दिया कि भाई जो जो खराब दिख रहा था वो करवा दिया, लेकिन उससे बात नहीं बनी। ट्रैक्टर चला ही कहाँ, सीजन अब चला, जुताई अब हुई, सारे काम अब हुए, अभी नमस्ते कर दी। अब नमस्ते कर दी, तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ गई, मतलब कि जो अभी समझ में ठीक है? एक्सीडेंट हो गया सारा। अच्छा जी, हाइड्रोलिक होगी, हाइड्रोलिक पंप खत्म हो गया बिल्कुल, ये देखो नीचे से दिखा देता हूँ जी एक बार। यार 17 मॉडल का पंप कैसे खत्म हो जाएगा इतनी जल्दी है कुलदीप भाई? 17 मॉडल का पंप मतलब कि बेगोरी से चला दिया या कन्नम आ रहे पीछे से, क्या दिक्कत आ रही? किसान पे ट्रैक्टर था। हाँ जी, या तो उसने नागोरी में ट्रैक्टर चलाया। अच्छा, काम नहीं कराया इसमें जी, और जो लेने वाला बेचने वाला जी उसने इसे खुलवा के चेक नहीं कराया, उसने कोई पैसा नहीं लगाया इसमें, लपा पोता करके इसने ट्रैक्टर पकड़ा दिया, ले जाओ भाई ले जाओ ले जाओ।
हम तो है लग रहा वहाँ ट्रैक्टर किलो में मिलते दिखा किलो में। हाँ यहाँ किसान कैसे मार रहे लोग, ये तो बात है जी, क्योंकि जिस हिसाब से आ रहा और कुछ निकलती नहीं अंदर से, कुछ भी निकलता नहीं निकलता जी। और कहने को 17 मॉडल देखिए कैसा लग रहा है। ये देखो जी आप एक बार देख लो ये चीजें, कंडीशन देखो 17 मॉडल ट्रैक्टर की कंडीशन देख लो। मेन सावटी हिल रही है, देखियो किसान बेचारा परे कुछ चला गया, 5-4 बातें बता के क्योंकि। अच्छा थोड़ा सा ये लग रहा है कि चलो एक बात तो जरूर कह रहे देखो भाई जी केयर इस वो पिछड़ ले से वो कीट कैसे हो कीट कैसे जगह जगह से लग रहा है। ये देखो कैसे कीट है, क्या हाल होगा इसका, क्या हाल होगा। लेकिन सही कह रहे जी, फिर आगे भी जरा धूम बहुत दिखी किसान है बेटा, फिर आगे भाई तो मैं और क्या करो बताओ। सही बात है, कर्जा कार्ड लगा रहा मैं तुम्हें धर्मशाला में आने के लिए रेल में। अच्छा जैसे तुमने पहले ट्रैक्टर बढ़िया बढ़िया चलाए नवे नवे, वो खड़ा वो 555 खड़ा है तो ये दिमाग में कैसे जाएगी क्योंकि इस बार थोड़ा सा सस्ता सा लेके काम चला लो। ये तो मैं मेरा टाइम खराब होगा था और क्या हुआ, मैं तो इसी वजह नहीं जगा रहा छोटी चीज चीज को छोटा ट्रैक्टर चीज को 2 महीने पीछे ले ले, साल भर पीछे ले ले, ले नवी बस 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 जी जी 22 मॉडल लगा नया ले रखा दो भरो खड़े जी जी जी। लेकिन इस बार फंस गया लेकर पुराना, इस बार फंस गया ऐसा लेकर धर्मशाला को। ये खड़ा हमारे पापा के बाप आगे के निशान नहीं कहा। अच्छा यो भी था रही है हाँ जी, तो वह सारे पुराना मॉडल ये खुद खरीदता है जी जी जी, पापा ने खरीद दिया था। अच्छा 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 जी, तो सही है अपना। तो कुल मिला के अगर कम शब्दों में कहा जा जी तो मन उदास हुआ कि ट्रैक्टर वहां से ले लिया, और वहां से लेना जी भूल को भी। अरे एक बात और भी, अगर बेचने लोगों बिक जाएगा उतना का अजी कहाँ बिक रहा, आधा भी नहीं जा रहा, 80 रुपए लग गए भी नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी बात है कोई किसान भी आदमी ले है कुलदीप भाई नुकह लो बाहर का नंबर है भाई, बाहर का नंबर है और सबको नु पता कि बाहर के नंबर 1.5 लाख में बिकते फिर रहे। बात तो बताओ भैया ने 17 मॉडल लिया 3.25 लाख का ले लिया। अच्छा जी, इनके कम से कम भी मांगा चलो 25 और कम से कम भी 1 लाख रुपया खर्चा हो गया इनका, 2 लाख ही हो गए। ट्रैक्टर कितने पड़ गया जी, तो 3.25 मान लो 4.5 में पड़ेगा, 4.5 में पड़ेगा जी। वो ये तो लेने वाला अगर किसान ही हो बेचारा जी, वे मंगे 4.5 लाख रुपए हाँ जी, तो वो इसे बेवकूफ बताओगा या अपने आप को बेवकूफ बताओगा। कौन देगा सही बताओ, कौन दे देगा, कौन दे देगा 4 लाख रुपए। सही बात है जी, ये बात तो खैर सही बात कितने लगाने पड़े 4 लाख लगा दो। देखो भाई साहब भी बात बता रहे हैं भाई, 4.5 लाख लगाने के बाद भी नू नहीं पता इसमें क्या लगाना पड़ जा। ठीक है जी, वैसे कुलदीप भाई एक बात तो है, जितने मर्जी पैसे लगा लो ये कभी उसके नवे के बराबर चलने का नहीं। भैया जी मैं बताऊंगा आपकी, एक तो वहाँ कोई मैकेनिक लाइन नहीं है, जांगा नंबर ट्रैक्टर है। अच्छा जी, दूसरी बात ना वहाँ गौर करता कोई आदमी, किसान तो क्या है वहाँ 2-3 साल 4 ट्रैक्टर चलाया हाँ जी, वहाँ टैक्स पे ट्रैक्टर होते हैं हाँ जी, टैक्स में जमा नहीं करना पड़ता हाँ जी, एजेंसी वाले को बदले में दिया नया ट्रैक्टर ले गए, अब वे किलोमीटर ट्रैक्टर नहीं यहाँ दे रहे हाँ जी, ये अपना पपोती करवाया किसान के ऐसे मार रहे तो भाइयों वीडियो कैसी है जरूर बताइयो। थोड़ा सा देखो हो गलत रहा है किसानों के साथ है ना जी, अपना देख रेख देख के ट्रैक्टर लो। ठीक है जी, अब किसान कुछ भाइयों के बात आएंगी भाई देख के क्यों नहीं लिया था। चलो भाई सारे किसान चतुर नहीं होते, सारे किसान सयाने नहीं होते, कुछ बेचारे भोले किसान भी होते हैं जो इस जाल में फंस जाते हैं। ठीक है जी, तो बाकी भाइयों बताइयो कि वीडियो कैसा लगा, ऐसी वीडियो हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए वो बताइए। धन्यवाद।